हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ किचन ग्लास जार्स की डेकोरेटिव आइडियाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे प्राइमर, एक्रेलिक कलर, मास्किंग टेप और एम्प्टी ग्लास जार्स। मास्किंग टेप से ग्लास जार को आप कवर करिए जहाँ पे आपको कलर नहीं चाहिए। आप किसी भी स्टाइल की डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मास्किंग टेप में डिस्टेंस की कमी है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम है, तो आप फिर से निकाल करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये है कि आप प्राइमर की दो लेयर्स लगाएं। अगर दो लेयर आप लगाते हैं तो फिर एक्रेलिक कलर का आपको एक ही कोट सफिशिएंट होगा परफेक्ट फिनिश के लिए। स्मॉल ग्लास जार के लिए मैंने ये डिज़ाइन डिसाइड किया है, पर इसके लिए मुझे थिन विड्थ का मास्किंग टेप चाहिए और मेरा मास्किंग टेप थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए मैंने क्या किया है, उसको बीच में से कट किया है। तो अगर आपके पास मास्किंग टेप ब्रॉड है तो आप उसे बीच से कट कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप थिन विड्थ का मास्किंग टेप यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। प्राइमर की कोटिंग करने के बाद उसे 1 से 2 घंटे के लिए आप कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दें, और जब वो कम्प्लीट ड्राई हो जाए उसके बाद ही एक्रेलिक कलर का कोट दें। अगर आपको ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो तो आप इस तरीके से सिंपल भी आप ग्लास जार को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट कलर के पोल्का डॉट्स को रैंडमली ड्रॉप किया है। मास्किंग टेप निकालते हुए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम मास्किंग टेप निकालते हैं तो कलर जो उसके एजेस पे है वो भी साथ में निकल के आने लगता है। तो ऐसे में हमें जो उसके कॉर्नर्स हैं, वो साइड्स हैं, वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में हमें नहीं मिलते, तो फिर क्या करना चाहिए। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप एक कटर का यूज़ करें। कटर से आप मास्किंग टेप के एज जहाँ पास पास में उसके पेंट है वहाँ उस पेंट को आप कट करें धीरे धीरे, और उसके बाद ही आप टेप को निकालें, और फिर देखिए कितनी परफेक्ट फिनिश आपको मिलेगी। जब एक्रेलिक कलर बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसका मास्किंग टेप आप निकालें। पेपर कटर का यूज़ करना बहुत ही अच्छा आइडिया है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको मास्किंग टेप को निकालते वक्त।
ग्लास जार्स को यूज़ करने के लिए सिर्फ एक टिप आप ज़रूर ध्यान रखें और वो है इनकी क्लीनिंग का। इन्हें क्लीन करने के लिए कभी भी स्क्रबर का यूज़ ना करें, सिर्फ स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, या फिर आप गीले कपड़े से इसको वाइप भी कर सकते हैं। इन आइडियाज़ को फॉलो करेंगे तो आप अपने बहुत ही सिंपल और प्लेन ग्लास जार्स को डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इनके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप किचन में भी इनका सेट रेडी करके सजा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों लग रहे हैं ना शानदार सेट में ये, तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही और भी DIY आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।